Hello everyone, welcome to my channel VSS Learning Institute, and today I am going to discuss the syllabus of BSc third year. So let's start the video. So the paper first है और ये syllabus है हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का MGKBP. तो paper first is relativity and statistical mechanics, or you can say physics. Paper second is a solid state एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. पेपर थर्ड है वो है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स. हर पेपर में चार यूनिट होता है, जिसमें यहाँ इस पेपर में रिलेटिविटी एक यूनिट है. यूनिट फर्स्ट जो है वो रिलेटिविटी है, और यूनिट सेकेंड से लेके फोर्थ तक स्टेटिस्टिकल फिजिक्स है. उसी तरीके से यहाँ पे यूनिट फर्स्ट प्लस सेकेंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट थर्ड और प्लस फोर ये न्यूक्लियर फिजिक्स में है. सॉलिड स्टेट में चारों यूनिट 1 to 4 सारी यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है. यहाँ जो फोर्थ यूनिट है वो काफ़ी अलग होगी इस साल, जो वहाँ पे हम पढ़ेंगे फिट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. बाकी जो दो यूनिट हैं इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड, वो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं. फीडबैक वगैरह, ट्रांजिस्टर वर्किंग, सेमीकंडक्टर, डायोड, ये सारी चीज़ें हैं. रिलेटिविटी और रिलेटिविटी जो है इसमें कवर करता है लगभग 22 मार्क्स, और ये टोटल जो पेपर है वो 65 मार्क्स का है. तो जो बाकी बचते हैं वो सारा कवर करेगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. उसी तरीके से जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये वाला पेपर 70 मार्क्स का है, जिसमें लगभग 40 मार्क्स कवर करता है सॉलिड स्टेट, और न्यूक्लियर फिजिक्स में 30 मार्क्स है. और उसी तरीके से ये पेपर है 65 मार्क्स का. तो यहाँ पे ये पेपर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जिसमें दो यूनिट है सॉलिड स्टेट का. इसमें पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन, एंड देन द सेकेंड यूनिट में है लैटिस वाइब्रेशन और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड. सो ये यूनिट दो यूनिट काफ़ी लंबी है. उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में भी एक सेक्शन हमारा यूनिट थर्ड है. यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, जो बेसिक आइडिया है, और यूनिट फोर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो और आपका आएगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिटेक्टर, न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट वगैरह. तो रिलेटिविटी एक नई चीज़ है, थोड़ा सा पढ़े हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू. तो जब रिलेटिविटी वहाँ आती है जहाँ वी सी की तरफ टेंड करता है, जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एटॉमिक स्केल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में, तो उस केस में हमारी रिलेटिविटी आती है. ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल सिलेबस है. तो 22 मार्क्स लगभग, 22 से 25 मार्क्स कवर करता है रिलेटिविटी, और बाकी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. उसी तरीके से ये सारे मार्क्स डिवाइड हैं. बुक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी मिल जाएगी अच्छे से, कोई भी मॉडर्न फिजिक्स ले सकते हैं. और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए JC उपाध्याय, काफ़ी फेमस बुक है JC उपाध्याय की, एक सिंगल आती है केवल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए, वो ले सकते हैं. या एक कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आता है वो रिलेटिविटी के लिए, तो रिलेटिविटी के लिए आर्थर बॉयजर का आता है, ये बुक काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है. और सॉलिड स्टेट के लिए गुप्ता एंड कुमार, या फिर पिल्लई, या सी कीटल एक स्टैंडर्ड बुक है. तो पहले यहीं से स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा है, ये बुक ईजी लैंग्वेज में है, तो अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं. न्यूक्लियर सेक्शन के लिए बुक है DC टायल, और फिर एक स्टैंडर्ड बुक साथ में SN घोसाल ले सकते हैं, लेकिन पहले हम प्रीफर करेंगे DC टायल को ही, जहां बेसिक से अच्छी चीज़ें सब दी हुई हैं. और या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, विद्यापीठ के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पब्लिकेशन आता है RP पब्लिकेशन, जो बिल्कुल सिलेबस वाइज है. इसमें सिलेबस के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ सिलेबस है. तो अगर केवल सिलेबस पढ़ना है तो ये बुक भी अच्छी है, लेकिन अगर थर्ड ईयर के बाद आगे फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स को पढ़ना है आगे, MSc वगैरह करनी है, तो फिर
आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, एस एन घोषाल या किटल की बुक, आर्थर बॉयजर, ये सारी स्टैंडर्ड बुक है। ये सारी बुक तो थर्ड ईयर वालों के पास होनी ही चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गुप्ता एंड कुमार की इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बुक काफ़ी मोटी है, तो कुछ पार्ट इसमें थर्ड ईयर में काम आएगा और कुछ एमएससी के दौरान ज़्यादातर पार्ट काम आएंगे। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, एक बेसिक से लेके हायर लेवल तक सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। बट डिपेंड करता है कि बुक हम उस हिसाब से लें कि अगर हमें आगे फिजिक्स पढ़नी है तो हमें ये सारी बुक तो ज़रूर हो थर्ड ईयर के लिए। अब इसको अभी से स्टार्ट करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगस्त से आपके लगभग सेशन इस बार शुरू हो चुका है, भले ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस धीरे धीरे हर जगह शुरू हो चुकी हैं। तो ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से करें, और थर्ड ईयर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के बाद आपका आगे का बनने वाला है कि आप क्या करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग जल्दी हो, और जितना जल्दी आप सिलेबस को पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे उतना जल्दी फिर आगे आप इंट्रेंस के लिए पढ़ पाएंगे। आपका आईटी एग्जाम वगैरह फरवरी में ही आ जाता है, तो ये सारा मार्क्स मिल के होता है 200 और प्लस 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। थर्ड ईयर में जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स का होता है। तो 200 प्लस 100 300, इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री या मैथ लेंगे तो 300 वो होगा। टोटल जो थर्ड ईयर है वो होता है 600 मार्क्स का, ठीक है। तो क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है इसके लिए पहले से बेसिक नॉलेज को रखिए, जो फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको देखते रहिए, उसका काफ़ी पार्ट यहाँ यूज़ होने वाला है। ये सॉलिड स्टेट जो फिजिक्स है वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप थोड़ा पढ़े हैं केमिस्ट्री के दौरान, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, सिंपल क्यूबिक, HCP वगैरह या FCC, BCC, ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। इसके लिए मॉडर्न फिजिक्स इंटर में पढ़ा है, तो आप बेसिक दोहराते रहें, जब क्लासेस स्टार्ट हों तो सारी चीज़ें समझ में आएँ। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स बिल्कुल नई चीज़ है, ये बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। ये स्टैटिस्टिक, जैसे स्टैटिस्टिक्स वर्ड लग रहा है ना, ये स्टैटिस्टिक्स, तो ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। स्टैटिक्स पे या प्रिडिक्शन के आधार पे चलता है। जैसे हम बहुत सारे कलेक्शन की अगर स्टडी कहीं करते हैं, ग्रुप ऑफ कलेक्शन, तो वहाँ हम नहीं बता सकते, जैसे पूरे क्लास में हर बच्चे के बारे में बताना हो तो हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन लड़का अच्छा है और कौन लड़का ख़राब है। हम जनरल बोलते हैं कि सारे बच्चे लगभग अच्छे हैं, तो वो एक प्रेडिक्शन होता है। तो जहाँ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की स्टडी होती है वहाँ स्टैटिस्टिक्स आता है, क्योंकि हम एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं पहले शुरू में, प्रोबेबिलिटी वगैरह, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के बाद फिर इसमें तीन तरह की स्टैटिस्टिक्स आएंगे। तो सबसे पहले तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ये पूरी जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है थर्ड ईयर की वो इन्हीं पे बेस्ड है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में दो स्टैटिस्टिक्स हैं, एक था बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ये पार्टिकल वाइज अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं जो डिफाइन होगी बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग तैयार हो जाइए, जितनी जल्दी हो सके क्लासेस ज्वाइन करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।